नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं प्राध्यापक डॉक्टर राजेंद्र रघुवीर देशपांडे फ्रॉम पुणे महाराष्ट्र स्टेट इंडिया। मैं आप सबका मेरा आयुर्वेदा एकेडमी यूट्यूब चैनल में सहर्ष स्वागत करता हूं। आप तो जानते हैं कि आई एम एमडी इन आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड एमडी इन आयुर्वेदिक फिजियोलॉजी। आई हैव द एक्सपर्ट टीम ऑफ द डॉक्टर्स गायनेकोलॉजिस्ट पेडियाट्रिशियन, सबके सब डॉक्टर्स मौजूद हैं। किसी को भी कौन सी भी हेल्थ की शिकायत है और पेड ऑनलाइन कंसल्टेशन चाहिए तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं 9226810630 पर। ये सीरीज जो बन रही है अभी एक साल एक महीने भर तक मैं बना रहा हूं ये वीडियो सब, ये सब के सब वीडियोस घरेलू उपाय के बारे में, घरेलू नुस्खे के बारे में, होम रेमेडीज के ऊपर बात करने वाले वीडियोस हैं। तो इसमें से एक आज का विषय है खर्राटे। आपको जानकर हैरानी होगी, ये माने तो हेल्थ प्रॉब्लम है, माने तो नहीं है, फिलहाल इसका इतना महत्व है कि कई हस्बैंड एंड वाइफ में, मतलब पति पत्नी में, इसके द्वारा बेपनाह हो जाता है। अलग अलग सोने के लिए उनका दिल करता है कि मैं अलग अलग कमरे में सो जाऊं। और इतनी आगे बात कभी कभी बढ़ती है, ये जोक नहीं है, सीरियस घटना है। कई लोग उसके साथ साथ वो डाइवोर्स करने की बात, घटस्फोट लेने की भी बात करते हैं। तो इतना वाला ये प्रॉब्लम सीरियस है। वैसा माना जाए तो उसमें कुछ ज्यादा क्या बोलते हैं ना, सीरियस कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं है। कभी कभार बहुत कम टाइम में ये इसका महत्व, मतलब सीरियस गंभीरता की तरफ चला जाता है। फिर 70-80% में ये प्रॉब्लम जो है ना, वो थोड़ा बहुत इधर उधर मसल्स का वीकनेस की वजह से हो जाती है। ये सब के बारे में मैं आज बताने वाला हूं, और उसके साथ साथ हम क्या घरेलू उपचार कर सकेंगे कि जिसके द्वारा डाइवोर्स भी टल सकते हैं। तो चलते हैं कि खर्राटे के बारे में चर्चा करते हैं। स्नोरिंग बोलती है, स्नोरिंग जब आदमी सो जाता है तो ये आवाज चालू हो जाता है। दरअसल खर्राटे एक तरह की ध्वनि होती है। जैसे एक्शन कर रहा हूं मेरे को ऐसे आदत पड़ गई है, जब पढ़ाता हूं तो बहुत एक्शन करता हूं, क्योंकि मेरे को कभी एक साल में पुरुषोत्तम कर्णक में बेस्ट एक्टर का प्राइज मिला था, सर्वोत्तम अभिनेता करके। तो इसी तरह से ये अभिनेत्री की आदत पड़ गई है मेरे को सिखाने या लोगों के साथ बातचीत करते समय। खर्राटे में एक तरह का ध्वनि होता है। ये ध्वनि तब पैदा होती है जब व्यक्ति निंद के दौरान अपनी नाक और गले के माध्यम से स्वतंत्र रूप से हवा नहीं ले पाते हैं। जब हवा का बहाव आती है ना, फ्लो, गले की त्वचा में स्थित ऊतकों में कंपन पैदा कर देता है। जो लोग अक्सर बहुत ज्यादा खर्राटे लेते हैं, उनके गले और नाक के ऊतक में बहुत ज्यादा कंपन होता है, वाइब्रेशंस। इसके अलावा व्यक्ति की जीभ की स्थिति भी सांस लेने के लिए लाने के रास्ते में वो आ जाती है बीच में रुकावट जैसी, जिसके कारण खर्राटे की समस्या हो सकती है। तो इसके कारण बहुत सारे हो सकते हैं, दिस आर ऑल द कॉन्ट्रीब्यूटरी फैक्टर, सब सहायता करते हैं खर्राटे की शिकायत बढ़ाने के लिए, निर्माण करने के लिए, और ठीक ठाक करने में वो रुकावट लाते हैं। जैसे कि पहले वाला प्रॉब्लम है मोटापन, ओबेसिटी। तो जिन लोगों का वजन हाइट वेट रेशियो के हिसाब से ज्यादा है, उन्होंने तुरंत वो कम करने की कोशिश कीजिए, खर्राटे की शिकायत खत्म, डाइवोर्स खत्म। निकाल में निकाल दिया कोर्ट ने, बता दिया कि वेट कम कर दो, तो बस बाकी का कोई जरूरत नहीं डाइवोर्स की। खूब शराब पीना, अल्कोहल इंटॉक्सिकेशन बोलते हैं, मांसपेशियों की पूरे शरीर में अन्य अन्य कारणों की वजह से कमजोरी, साइनस का बहुत सारा प्रॉब्लम है, फ्रंटल साइनस है, इग्माइडल साइनस है, उन साइनसों उसमें कफ जमा हो जाता है और रुकावट स्रोतोरोध ऑब्स्ट्रक्शन पैदा होने के कारण ये खर्राटे आ जाते हैं। सोने का गलत तरीका हो सकता है, ज्यादातर सर्दी कोल्ड जिसको बोलते हैं, नाक में से पानी आना, छींकाना, ये भी साथ साथ होता है खर्राटे के साथ। नींद की गोलियां, एलर्जी रोधक दवाइयां जिसको एंटी एलर्जिक कहते हैं, उससे भी श्वसन मार्ग की पेशियों को वो रिलैक्स कर देते, सुस्त बना देते, जिसके कारण खर्राटे आने चालू हो जाते हैं। तो जो पहले तो पूछना चाहिए कि आप कुछ दवा पानी कर रहे हैं क्या, जिसमें स्लीपिंग पिल्स में डाइजीपाम आ जाती है ना, तो ये एंटी एलर्जिक बेनेड्रिल या कौन सी भी, क्लोरफेनिरामाइन मैलेट, सीपीएम होता है ना, एवीर होती है, ऐसी कौन सी, इंसिडाल होती है ना, रेलेंट होती है, ये कौन सी गोली आप ले रहे हैं क्या। बच्चों को खर्राटे आने के और कुछ कारण है, जैसे कि टॉन्सिलाइटिस बोलते हैं, टॉन्सिल्स बढ़ जाना, जीभ परजीभ बोलते हैं ना, यूव्यूला, उसका मोटापन वो यूवेलाइटिस बोलते हैं, जुकाम या हड्डी, इस नाक में से जो हड्डी है ना वो तिरकी, मतलब
उसके टेढ़ी होने के कारण, जिसको डेविएटेड सेप्टल नेजल सेप्टम बोलते हैं, DNS, DNS डेविएटेड, ये जो पड़ता है ना, ऐसा 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 होता है डेविएटेड नेजल सेप्टम, इससे भी रुकावट आने के कारण खर्राटे चालू हो जाते हैं। लक्षण तो आप कोई बताने की जरूरत ही नहीं है, तेज आवाज के साथ सांस लेना और छोड़ना, थोड़ी थोड़ी देर में कुछ सेकंड के लिए सांस को अपने आप रुक जाती है, धीरे धीरे सांस रुकने की रफ्तार और समय बढ़ने लगता है, सोते सोते सांस न आने पर हड़बड़ा कर जागना, दिन भर रात की नींद अच्छी न होने के कारण दिन भर सुस्ती और आलस्य से भरे रहना, नींद पूरी होने पर भी नींद में अगेन दिन भर नींद आना और पूरी तरह से थकान महसूस होना। तो क्या करेंगे इसके लिए? घरेलू उपचार तो कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ग्रैंड मास पाउच बोलते हैं ना, ग्रैंड मास पाउच, पुराने एकत्र कुटुंब पद्धति थी तो हर एक व्यक्ति अपनी अपनी, जो सीनियर्स थे वो बता देते थे, अभी कोई बताने वाला नहीं, तो आयुर्वेद एकेडमी के डॉक्टर देशपांडे है ना आपके पास बताने के लिए। पुदीना का, पुदीना में कई तत्व होते हैं जो गला और नाक के छेदों की सूजन को कम करते हैं, इससे सांस लेना आसान हो जाएगा। सोने से पहले पेपरमेंट ऑयल जो है उसकी कुछ बिंदुओं को पानी में डालकर उसे गरारा कर ले, उससे फायदा हो जाएगा। इस उपाय आपको कुछ दिन करना पड़ेगा, हफ्ता दो हफ्ते तक फर्क आपके सामने में जरूर आ जाएगा। दालचीनी सिनेमोन खर्राटे की समस्या के निजात पाने के लिए एक ग्लास गुनगुने पानी में एक आधा चम्मच या एक चम्मच, ज्यादा से ज्यादा एक चम्मच, वो बहुत उष्ण हॉट है, कई लोगों को अच्छा नहीं लगता उससे, आधा चम्मच पाव चम्मच ले सकते हैं दालचीनी का पाउडर मिलाकर पीना है आपको, धीरे धीरे करके ठंडा करके शहद भी डाल सकते हैं, इससे लगातार सेवन करने से भी आपको फायदा दिखाई देगा। लहसुन, लहसुन के प्रयोग से खर्राटे का इलाज हो सकता है। लहसुन कफग्न द्रव्य है, एंटी कफा, एंटी कोल्ड, एंटी म्यूकस, हाँ एंटी स्पुटम, तो इससे कारण लहसुन के कारण कफ कम हो जाएगा, नासिका मार्ग में बलगम के निर्माण और श्वसन प्रणाली की सूजन को ये लहसुन गार्लिक कम करता है। अगर आप साइनस के कारण खर्राटे लेते हैं, बाजार में आपको लहसुनादि वट्टी मिल सकती है, बाजार में गार्लिप टैबलेट भी मिल सकती है, GARLIP, ये लहसुन आपको राहत खर्राटे में देगा ही देगा, क्योंकि स्रोतोरोध दूर हो जाएगा। लहसुन में घाव जो है ना, कफ वाले जो इन्फ्लेमेशन है वो कफ कम करने के गुण है। लहसुन ब्लॉकेजेस को साफ करके, बलगम निकाल के, कफ निकाल के, श्वसन तंत्र को भी बेहतर बनाने में मदद करता है। एक या दो लहसुन की कली को पानी के साथ आप ले सकते हैं। इस उपाय को सोने से पहले करने से आप खर्राटे से राहत पा सकते हैं। दो तीन चीजें ध्यान में रखिए कि लहसुन की गंध उग्र होती है, जो लहसुन खाते हैं तो बाद में लोग उसके साथ सोना नहीं चाहते, उसके साथ रहना नहीं चाहते, उसके साथ बात नहीं करना चाहते। ये तो आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि कौन सी टाइम में कैसा लेना है, क्या लेना है करके। दूसरी एक चीज है, लहसुन बहुत हॉट है, उष्ण गुणधर्म का है, तो पित्त को बढ़ाएगा। तो जिन लोगों की पित्त प्रधान प्रकृति है, पित्त प्रधान व्याधि है, जैसे गैस्ट्राइटिस है, पेप्टिक अल्सर है, किधर से भी खून निकल रहा है, जैसे कि खून उल्टी द्वारा निकल सकता है जिसको हेमेटेमेसिस बोलते हैं, नाक में से खून आ सकता है एपिस्टेक्सिस बोलते हैं, थूक में से ट्यूबरकुलोसिस में खून आता है हिमोप्टिसिस बोलते हैं, हमारी पेशाब में खून आता है हिमैचुरिया कहते हैं, पर रेक्टल पाइल्स की वजह से खून निकलता है। तो इन लोगों ने कभी भी गार्लिक लहसुन का इस्तेमाल नहीं करना, नहीं करना, नहीं करना, ठीक है। हल्दी, हल्दी में एंटीसेप्टिक और एंटीबायोटिक यस गुण भी है, इससे इस्तेमाल से पूरा बैक्टीरिया इन्फेक्शन चला जाएगा, खर्राटे बंद, इससे सांस लेना आसान हो जाएगा। रोज रात को सोने से पहले दूध में हल्दी पकाकर पीने से ये फायदे हो सकते हैं। आगे है ऑलिव ऑयल, ऑलिव ऑयल एक बहुत ही कारगर घरेलू उपचार है, इसमें बहुत मात्रा में एंटी इंफ्लेमेटरी गुण है, श्वसन तंत्र की प्रक्रिया को सुचारू बनाए रखने में ये ऑलिव ऑयल काम करता है, इससे दर्द को कम करने में भी इसकी मदद मिलती है। एक छोटी चम्मच ऑलिव ऑयल को समान मात्रा में शहद मिलाकर सोने से पहले नियमित रूप से आपको लेना है। इलायची सिनेमोन, इलायची तो आप जानते हैं,
सर्दी खांसी की बहुत ही बढ़िया दवा है। ये श्वसन तंत्र श्वास मार्ग को खोलने का काम करती है। इससे सांस लेने की प्रक्रिया आसान होती है। रात को सोने से पहले इलायची के कुछ दानों को गुनगुने पानी के साथ मिलाकर पिलाना है आपको, पीना है, पेशेंट को देना है। इससे समस्या में राहत मिलेगी। सोने से कम 30 मिनट पहले यह आपको उपाय करना पड़ेगा। दूध का सेवन, ये होलिस्टिक फूड है ना, सर्वान सर्वान पूर्णान है ये दूध मिल्क। उसमें प्रोटीन्स मौजूद है, उसमें हमारी व्याधिक क्षमता बढ़ाने की ताकत है। दूध कई बीमारियों के लिए फायदेमंद है। ज्यादातर इन्फ्लेमेशन जहां है, पित्त ज्यादा है, वहां पर वो काम करेगा। रात के सोने से पहले कम से कम 1 कप दूध। ये ज्यादातर ये दूध किसके लिए फायदे है? मैं बताता हूं आपको। ये हमेशा इससे लिए मैं बताता हूं कि आयुर्वेद की प्रकृति इंपॉर्टेंट है ना। तो जिन व्यक्तियों की प्रकृति वात प्रधान है, पित्त प्रधान है, उनको लिए ये उपाय है, कफ वाले के लिए नहीं है। कफ वाले के लिए पहले मैंने बता चुका हूं मैं, ये वात पित्त वाले जिनकी रूखा सूखापन ज्यादा है, उष्णता बढ़ी हुई है शरीर में, पूरे गल शरीर में बिल्कुल ड्राइनेस है, उन लोगों को ये लुब्रिकेंट जैसा काम करेगा, सुदनिंग करेगा श्वास मार्ग का और खराटे बंद हो जाएंगे। अभी ये जो है ये कफ के लिए है, दूध वात पित्त के लिए है, शहद कफ के लिए है, स्टीम थेरेपी कफ के लिए है। 1 गिलास गर्म पानी में 2 चम्मच शहद मिलाकर सोने से आधा घंटा पहले आप जरूर ले सकते हैं। शहद में एंटी इंफ्लेमेटरी कफ के लिए बहुत अच्छा है, बलगम निकालने के लिए बहुत अच्छा है, सर्दी कम करने के लिए बहुत अच्छा है, जो गले और नाक में सूजन होने से रोकता है, राइनाइटिस, फाइरिंजाइटिस, हाँ सब कम हो जाएगा, ब्रोंकाइटिस, इससे सांस लेने में आसानी, खर्राटे खत्म। स्टीम थेरेपी, बाफ लेना, नाक बंद होने से खर्राटों की समस्या ज्यादा बढ़ती है। इसका सबसे अच्छा समाधान स्टीम थेरेपी है। स्टीम बॉक्स तो मिल जाएगा आपको फार्मेसी में, इससे बंद नाक खुल जाता है और खर्राटे में राहत मिलती है। एक खान पान में थोड़ा ध्यान रखे भैया, रात को भूख से कम भोजन करना चाहिए, डिनर बहुत ही हल्का होना चाहिए, बहुत ही कम मात्रा में खाना चाहिए और फ्रेशली कुकड होममेड फूड खाना चाहिए। बाहरी पदार्थ खाएंगे तो तकलीफ बढ़ेगी। जीवन शैली कैसी होनी चाहिए? हमारी इम्यूनिटी तो अच्छी होने से मसल स्ट्रांग बन जाएगी यहाँ के सबके, तो ये मसल जब स्ट्रांग हो जाएंगे तो खर्राटे बंद हो जाएंगे। एक्सरसाइज करना है आपको, शरीर के हर भाग जैसे हाथ है, पैर है, एब्स की एक्सरसाइज करने में मांस, पूरे शरीर की जो मांसपेशियां हैं, चाहे वो लाइरिंग्स की हो, फायरिंग्स की हो, सभी तरफ मसल्स तो मौजूद है भैया, उसका टोन बढ़ जाएगा। गले की मांसपेशियों की एक्सरसाइज भी होती है, जैसे ये देखिए क्या हो रहा है, ये एक्सरसाइज ही है मेरे प्यारे दोस्तों, योग का है ना। हाँ, तो ये ऐसी तरह से आपको कुछ डिफरेंट डिफरेंट एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, इससे खर्राटे बिल्कुल कम हो सकते हैं। वजन, बिल्कुल ओबेज हैं आप, ओवरवेट है तो कम करना होगा। सोने के लिए उचित तकिया रखना चाहिए। अगर आप अपने तकियों को खोल को समय समय पर बदलते या साफ नहीं करते हो सकता है कि आपकी खराटे की वजह से वो इन अनक्लीन अनहाइजीनिक जो तकिया है उसमें मौजूद कुछ धूलि के कण हो सकते हैं। सोने के लिए अलग अलग पोजिशन अपना सकते हैं, इस पोजिशन में खराटे कम आते हैं, इसमें ज्यादा आते हैं। ऐसे बोलते कि सीधे लेटे तो ज्यादा खराटे आते हैं, तो पति या पत्नी उसको पार्टनर को बोले चलो चलो खराटे मत लगाओ, तो कुशी पर एक साइड पर पलटता है तो अपने आप खराटे बंद हो जाते हैं, है ना, थोड़ा सा जगाने से। वैसे तो पीठ के बल सोना आदर्श तरीका है, लेकिन कई बार इस मुद्रा में सोने से खराटे की आशंका बढ़ जाती है। इस मुद्रा में तालु जीभ के गले के ऊपरी भाग पर होते हैं, इससे ऊंची पीच की ध्वनि उत्पन्न होती है और ये खर्राटे से तब्दील हो जाती है। अगर आप करवट के बल सोएंगे तो खर्राटे की आशंका कम हो सकती है। और कुछ परहेज है खर्राटे कम करने के लिए? रात को कभी भी नहीं जागना है, अधिक देर तक नहीं जागना है, इससे कारण खर्राटे को आने लगते हैं। नींद की गोलियों का सेवन कम करना है, धूम्रपान धूम्रपान नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करना है। तो क्या करना है? कपालभाति और उज्जयी प्राणायाम खर्राटे के लिए लाभकर है। तो योग शिक्षक, योग तज्ञ के द्वारा ये कपालभाति उज्जयी प्राणायाम आप सीख सकते हैं, नहीं तो आयुर्वेद एकेडमी के योग तज्ञ आपको जरूर सिखाएंगे, ऑनलाइन भी सिखा सकते हैं। इसके साथ साथ अनुलोम विलोम प्राणायाम भी कर सकते हैं। खर्राटे को बचने के लिए गले की मांसपेशियों की एक्सरसाइज करना लाभकारी साबित हो सकता है। मेरे प्यारे दोस्तों,
आज मैंने आपको डाइवर्स या घटस्फोट स्पोर्ट से बचाने के लिए बहुत सारे उपाय बता दिए जो कराटे के उपाय हैं। जो अपार्ट कराटे वैसे देखा जाए तो मामूली है, फिलहाल कई जन के लिए, कई फैमिलीज के लिए, कई पर्सन के लिए, व्यक्ति के लिए तकलीफ वाली चीज हो सकती है। कुछ ये उपाय आपने अपनाए तो आपको जरूर फायदा मिल जाएगा। आपको किसी को भी कौन सी भी हेल्थ की शिकायत है तो पेड ऑनलाइन कंसल्टेशन के लिए हम है ना, कौन सी भी बीमारी में यथावश्यक यथाकाल वैद्य की सलाह लेना ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। कृपा करके वीडियो लाइक शेयर कर दीजिए और प्रेस द बेल बटन आइकॉन टू गेट द इंटीमेशन ऑफ वेरी इंटरेस्टिंग साइंटिफिक और सीधे लैंग्वेज में डॉक्टर देश पांडे के वीडियोस आप देखते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहे और खुश रहे। धन्यवाद।